बात कर रहा है द टर्म ब्रिज मैनाइट। ब्रिज मैनाइट रिसेंटली न्यूज में देखा गया है, ये क्या है? टाइम पीरियड में शुरू कर देता हूं आपका, सोचिए क्या ये कोई स्पेस क्राफ्ट है, हैबिटेबल प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करने के लिए, न्यूली डिस्कवर्ड एस्ट्रॉयड है, मिनरल है दैट इज फाउंड ऑन द अर्थ इंटीरियर, कोई स्पीसीज है जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पेड़ों पे पाया जाता है, सोचे। सो कंपोजिशन ऑफ द इंडियन मटीरियलाइट फ्रेगमेंट्स, ये बेसिकली जो इंडिया मटीरियलाइट फ्रेगमेंट है तो वो हमें हेल्प कर रहा है, हमारे बेसिकली रिसर्चर्स को हेल्प कर रहा है ये समझने में कि अर्थ का जो लोअर मेंटल है वो कैसे बना है। तो आप जानते हैं कि वेरियस मीटियराइट जो होते हैं उनके फ्रेगमेंट्स इंडिया के ऊपर, पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग जगहों पर गिरते रहते हैं, और उनकी कंपोजिशन से समझ में आ सकता है कि अर्थ जो होगी वो उसका इंटीरियर कैसा होगा। तो यहां पर भी जो इंडियन मीटियराइट फ्रेगमेंट है उसको समझने की कोशिश करी जा रही है अर्थ के लोअर मेंटल को समझने के लिए। ब्रिजमेनाइट जो है इट इज द मोस्ट अबेंडेंट मिनरल जो कि अर्थ के इंटीरियर में मिलता है, एंड स्टडीज हैव शोन दैट अबाउट 80% ऑफ अर्थ का जो लोअर मेंटल है वो इसी इसी मिनरल से बना हुआ, ठीक है। सो ब्रिजमेनाइट जो है 80% अर्थ का इंटीरियर इसी से बना है। इट वॉज नेम्ड इन 1946 में एक फिजिक्स के नोबेल प्राइज रिसिपियंट थे, उनके नाम के बाद ये जो नाम है ब्रिजमेनाइट वो रखा गया। करेक्ट आंसर क्या होगा? अ मिनरल फाउंड इन अर्थ इंटीरियर। चलिए इस तरीके से दिखाई देता है, चलते हैं